राजस्थान के जालौर जिले में दलित छात्र की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण है। परिजन और प्रशासन की सहमति के बाद 40 घंटे के बाद बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मांगे पूरी न होने तक परिजन बच्चे का अंतिम संस्कार न करने पर अड़े हुए थे। इसके बाद प्रशासन और परिजनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन वो विफल रही। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। आपको बता दें कि 20 जुलाई को स्कूल टीचर ने छात्र को कान पर चाटा मार दिया था, जिससे उसके कान की नस फट गई थी। फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शनिवार को उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर पुलिस ने SC ST एक्ट और हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इस मामले में CM अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया। जालौर की घटना बहुत बुरी घटना हुई है। टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया, और तो टीचर अरेस्ट हो सकता है, तो जहाँ जहाँ घटना हो रही है वहाँ वहाँ हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। अब CM गहलोत तो सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी शांत होता नजर नहीं आ रहा है।